subscribe now and press the bell icon never miss an update asalaamu alaikum students as we have started chapter birds now in this lecture we have to discuss about the nutrition and digestive system of birds the main points are as you all know that metabolic rate of birds is very high वट डज़ इट मीन कि इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई है जो कि इनको हेल्प आउट करता है इनकी फ्लाइट में ठीक है और इसका क्या मतलब है कि मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है रेवनस एपिटाइट्स इनको जो भूख लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है और ये कंटिन्यूसली ईटिंग करने के बावजूद जो है वो इनको फिर भी ये अपने आप को एपीटाइट फील करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड आपको पता है ठीक है हमिंग बर्ड क्या करता है फीड होल डे हमिंग बर्ड होल डे फीड करता है और इसका फ़ीड करने की वजह से इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है ये दिन में तो फीड करता है लेकिन एट नाइट ये क्या हो जाता है टॉर्पिड हो जाता है टॉर्पिड मीन्स इनएक्टिव हो जाता है अपना टेम्परेचर भी लो डाउन कर लेता है एंड रेस्पिरेटरी रेट भी इसका स्लो डाउन हो जाता है अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि न्यूट्रिशन के, के लिहाज से या डाइजेशन के लिहाज से बर्ड्स ने अडॉप्ट की हुई हैं बर्ड्स के अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशन हैं उनके इन्वामेंट के लिहाज से उनके हैबिटेट के लिहाज से जो उनको बेटर अडेप्ट करती हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम दो तीन एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड है वुड पैकर जिसका नाम है इसकी टंग जो है वो कैसे मॉडिफाइड है इसकी टंग जो है चूंकि ये ट्रीज़ की बाग्स में से अपना जो है वो फूड लेते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से इस वजह से इसकी टंग उसके लिहाज से मॉडिफाइड होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सैप सकर्स सैप सकर्स ये वाले बर्ड हैं जिनमें क्या होता है जिनकी टंग क्या है ब्रश लाइक है ठीक है ब्रश लाइक टंग है जो कि ट्री होल्स में से सैप को लिक करते हैं इस टंग की मदद से नेक्स्ट हमारे पास है हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड की जो टंग है वो रोल हो जाती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और जिसकी मदद से क्या करते हैं ये नेक्टर्स को क्या कहते हैं सक कर लेते हैं फ्रॉम फ्लावर्स तो ये वो वाली मॉडिफिकेशंस हैं जिनकी बेसिस पे ये अपने इन्वामेंट के अंदर मौजूद अपनी फीड को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं कि बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से मॉडिफ़िकेशन उसके अंदर मौजूद हैं क्या वो आ, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ मैच होते हैं या अगर कोई उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन्स हैं तो वो कौन कौन सी हैं या उसके जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं सबसे पहले तो देखें एसोफिगस ठीक है नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में भी होती है और ह्यूमन बींग्स में भी एसोफेगस का क्या काम होता है ये माउथ से ट्रांसफ़र करती है फूड को जिसमें स्टमिक में, में लेके जाती है लेकिन अगर हम बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रक्चर वाइज देख लें तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है बर्ड्स का ठीक है इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एसोफेगस एसोफेगस आपको नज़र आ रही है ये देखें ये एसोफेगस है ठीक है एसोफेगस का क्या काम है इसमें फूड को माउथ से लेके उसको पास ऑन करवाना है क्रॉप में लेके आना है नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्रॉप है तो क्रॉप तक कौन लेके आता है एसोफेगस एसोफेगस के करेक्टर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं ये एक मस्कुलर पाइप होता है जिसमें नॉर्मली जैसे ह्यूमन बींग्स में पेरिस्टालसिस होती है और पेरिस्टालसिस के नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में क्या होता है फूड आगे से आगे पास ऑन होती जाती है ठीक है इसमें भी एसोफेगस का यही वाला रोल है कि ये फूड को पास करवाता है और क्रॉप तक लेके आता है और ड्यूरिंग दैट पैसेज जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एसोफेगस के और रिलैक्स करते हैं ठीक और इसका जो साइज़ है एसोफेगस का वो डिपेंड करता है कि बर्ड की जो नेक लेंथ है वो कितनी है अगर किसी बर्ड की नेक लेंथ ज़्यादा है तो एसोफेगस जो है वो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ भी ज़्यादा लेंथी होगा और अगर शॉर्ट है नेक तो फिर क्या होगा इसका साइज़ शॉर्ट होगा नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है क्रॉप ये वजह जो क्रॉप नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्रॉप है जब इसमें फूड आ जाती है तो इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है क्रॉप जो है वो बेसिकली इसको हम स्टोरेज प्लेस कहते हैं स्टोरेज ऑर्गन कहते हैं रादर देन डाइजेस्टिव ऑर्गन ठीक है इसमें डाइजेशन नहीं होती मोस्टली क्या होता है ये स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कुछ स्पीशीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पिजन्स हैं उनमें क्या होता है इस क्रॉप वाले पोर्शन में प्रोटीन रिच क्रॉप लाइनिंग सेल्स हैं ये वाले जो इनके सेल्स हैं इसकी लाइनिंग के प्रोटीन रिच होते हैं और ये सेल्स हैं वो जब इसमें फूड एंटर हो जाती है क्रॉप में तो ये सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं स्लोड ऑफ होते हैं वो मिक्स होते हैं क्रॉप के अंदर मौजूद फ्लुइड के साथ और एक वर्ड है पिजन्स मिल्क जैसे पिजन्स में ये एक फ्लोइड पैदा होता है जिसे हम पिजन्स मिल्क कहते हैं और ये फीड करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर क्रॉप के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस प्रोवेंट्रिकुलस का क्या काम है एक तो ये बात है कि ये स्टमिक का फर्स्ट वाला पार्ट है ठीक है और ये क्या करता है इसका बेसिक जो फंक्शन है वो है गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस से करता है और ये वाला जो गैस्ट्रिक चूस है ये क्या होता है इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ये एंजाइम्स क्या करवाते हैं फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं और डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ठीक नेक्स्ट हमारा जो प्रो वेंट्रिकुलस के बाद पोर्शन आता है पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है वेंट्रिकुलस वेंट्रिकुलस का सेकेंड नाम है गिजर्ड ठीक है और इसका ये इम्पोर्टेंट बात क्या है इसके स्ट्रक्चर की कि कैरेटीनाइज स्ट्रक्चर होता है वो हेल्प आउट करता है ये ग्राइंडर के तौर पे एक्ट करता है किसके तौर पे एक्ट करता है ग्राइंडर के तौर पे, पे। क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के सैंड पार्टिकल्स और पेबल्स और, और वॉलट्स वगैरह कुछ भी खा लेते हैं तो ऐसी चीज़ों को डाइजेस्ट करवाने के लिए इसका स्ट्रक्चर बहुत जो है वो कैरेटिनाइज होता है जिसे हम गिजर्ड कहते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट अगर आप देखें डायग्राम में तो गिजर्ड के बाद आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला पोर्शन ये स्मॉल इंटस्टाइन है और स्मॉल इंटस्टाइन में आप देखेंगे दो ऑर्गन्स की सिक्रिशंस जो हैं वो इसमें एंटर हो रही हैं ये वाला ऑर्गन लिवर है सबको पता है लिवर में से क्या आता है बाइल जूस आता है ठीक वो बाइल जूस जो है वो दो डक्ट्स के थ्रू किस में एंटर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी तरह से ये पेंक्रियाज है पेंक्रियाज से क्या आता है पेंक्रियाटिक जूस आता है वो भी दो डक्ट्स के थ्रू एंटर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये जो पेंक्रियाटिक जूस एंटर हो रहा है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं